एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया आई फ्लाई। अगर बॉयज एंड गर्ल्स, आप अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, सो प्लीज सब्सक्रिप्शन का बटन हिट करना बिल्कुल ना भूले एंड नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे हर एक जॉब अपडेट्स अपडेट करते रहती हूँ। जितना भी मुझे मालूम होती है या जितना मैं कर पाती हूँ, मैं अपना पूरा लेवल बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, सो दैट आई कैन हेल्प यू पीपल टू अचीव योर ड्रीम और टू अचीव अ जॉब, जो कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जॉब के लिए। सो आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट कि मैं आप सबकी मदद कर सकूँ। तो स्पेशली दिस वीडियो इज फॉर बॉयज ग्राउंड स्टाफ की, इंडिगो की ग्राउंड स्टाफ की कुछ वैकेंसीज लेके आई हूँ, जो कि अभी बल्क में हायरिंग चल रही है, बट वेबसाइट पे अपडेट नहीं कर रहे, वो वेबसाइट पे एक या दो इंटरव्यू अपडेट कर रहे। सो ये जो मैं आपको हायरिंग बताने वाली हूँ, ये हायरिंग इंटरनली चल रही है, जो कि आपको सिर्फ एयरपोर्ट पे होने पे या आप उस पर काम कर रहे हो तो ही आपको ये मालूम चलेगी। ये पूरे प्रॉपरली वेबसाइट पे नहीं बताते हैं। सो मैं जो डेट, जो एड्रेस, जो टाइमिंग बताने वाली हूँ, स्क्रीन पे भी बताने वाली हूँ, आपको एग्जैक्ट वहीं पे चली जानी है इंटरव्यूज़ के लिए, उस टाइम के बीच जानी है। रजिस्ट्रेशन की कोई इशू नहीं है यहाँ पे, आप जस्ट अपना अपडेटेड CV के साथ वहाँ जा सकती हो या जा सकते हो इंटरव्यू के लिए, ठीक है। पर मैं सबसे पहले 3 और 4 चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। आपकी एज 18 to 27 के बीच ही होनी चाहिए अगर आप फ्रेशर्स हैं तो, बट अगर आप बहुत पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो एविएशन के, तो आपकी एज 27 अबव भी होगी तो डजंट मैटर। सेकेंड चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ग्राउंड स्टाफ के लिए कोई हाइट क्राइटेरिया, कोई वेट क्राइटेरिया, ये सब चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, 145 है, 140 है, डजंट मैटर, आपको काम ग्राउंड स्टाफ के करने के लिए कोई भी हाइट रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं। अगर आप मोटे हैं, पतले हैं, बहुत दुबले हैं, बहुत हद से ज़्यादा ही भी मोटे हैं, डजंट मैटर, आप आराम से इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं एंड सिलेक्शन भी आराम से हो जाती है। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो बहुत हेल्दी है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आई विल नॉट से मोटा, हेल्दी है, खाते पीते घर के हैं एंड स्टिल दे आर वॉकिंग विद इंडिगो। सो ऐसा नहीं है कि, क्योंकि हाइट क्राइटेरिया, वेट क्राइटेरिया कभी नहीं है, बस आपका कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप किस तरह से बात करते हैं अपने HR से और किस तरह से आप बात कर पाएंगे अपने कस्टमर से, बस वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मैटर करती है। थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आनी चाहिए, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश समझ नहीं आती है तो आपके चांसेस कम है सिलेक्शन होने का, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ऐसा नहीं बोलूंगी, अगर आपके तब आपके चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश बहुत ही कम आती है, आती ही नहीं है तो, बट आपको थोड़ी बहुत आती है, समझ लेते हो, थोड़ी बहुत बोल भी लेते हैं आप एंड, तो फिर ओके, गुड टू गो। थर्ड पॉइंट मैं बोलना चाहूँगी, इंटरव्यू के दिन पे आपको रिज्यूमे लेके जो जानी है, वहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो को एक्स्ट्रा से स्टेपल करके ले जानी है। फ़ोटो रिज्यूमे में पहले से नहीं होनी चाहिए, स्टेपल करके ले जानी है, ठीक है। लास्ट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैरी करके ले जानी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, योर 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। इफ़ यू आर नॉट ग्रेजुएट, डू नॉट गो फॉर इट, क्योंकि ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी। अब हर एविएशन में, हर एयरलाइन में ग्रेजुएशन तो मैंडेटरी कर दिया फॉर द ग्राउंड स्टाफ। टिकट आपको लेके जानी है, सारे मार्कशीट आपको लेके जानी है, बिकॉज आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो ऑन द स्पॉट आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए पूछ लेते हैं वो, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, पासपोर्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट गाइज, पासपोर्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर ले, या फिर आप सिलेक्शन के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, चांसेस रहेंगी बट बहुत कम ही चांसेस देते हैं, सो आप वो आप खुद डिस्कशन कर लीजिएगा, बट पासपोर्ट होना इज मैंडेटरी इफ यू आर अप्लाइंग फॉर एनी एयरलाइंस, फाइन। सो एयरलाइंस के लिए पासपोर्ट मैंडेटरी। अब हम बात करेंगे वैकेंसी की, कि कौन सी वैकेंसी कब कहाँ क्या है। सो सबसे पहला वैकेंसी जो है लखनऊ में है गाइज, लखनऊ में वैकेंसी है ग्राउंड स्टाफ की। इफ यू आर डेस्परेट फॉर द कैबिन क्रू जॉब एंड आपको कैबिन क्रू के मौके नहीं मिल रहे हैं, लाइक फॉर गर्ल्स आई एम सेइंग दिस, सो आप आराम से ग्राउंड स्टाफ के लिए भी अपेयर हो सकती है, कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले, मिलनी चाहिए बस, है ना। सो लखनऊ में इंटरव्यू है 6 मार्च को, 8:30 to 10 AM इनका रिपोर्टिंग टाइम है लखनऊ 8 मार्च वाली, एंड द लोकेशन इज रमादा बाई विंधाम लखनऊ कानपुर। सेम लोकेशन जहाँ पे कैबिन क्रू की इंटरव्यू होती है, वही लोकेशन पे उन्होंने ग्राउंड स्टाफ की इंटरव्यू कंडक्ट कराई है 8 मार्च को, स्क्रीन पे दिख रही होंगी, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, जो भी आपको सही लगे आपके ऊपर है, ठीक है। उसके बाद हम इंटरव्यू का बात करेंगे 8 मार्च, 8 मार्च को हैदराबाद में इंटरव्यू है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दिख रही है 8 मार्च वाली हैदराबाद की, है ना, ये दिख रही है। सो बहुत सारे जगहों पे अभी रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट है ग्राउंड स्टाफ के लिए, सो वो हैदराबाद में हायर कर रहे हैं, ठीक है।
टाइमिंग है 8:30 AM टू 9:30 AM, इसके बीच आपको अंदर रिपोर्ट कर लेनी है। आप लेट मत जाएगा क्योंकि बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ट्रस्ट मी गाइस, ग्राउंड स्टाफ में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ठीक है। एंड द होटल नेम इज़ रेडिसन ब्लू प्लाजा होटल हैदराबाद। सो हैदराबाद बंजारा हिल्स जो आपकी जगह है स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ उसको नोट डाउन करके आप अपने परफेक्ट लोकेशन पे जा सकते हैं। 8 मार्च ऑफिशियल वेबसाइट के इंटरव्यू के बाद में 12 मार्च एंड 26 मार्च, इट मीन्स 12 मार्च एंड 26 मार्च को हैदराबाद में अगेन इंटरव्यू है गाइस। बल्क में हायरिंग होने वाली है ग्राउंड स्टाफ की, सो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगी, बट इंटरनली ये इंटरव्यूज हो रहे हैं। सो अगर आप जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए, क्योंकि इंटरव्यूज़ तो वैसे भी इंटरनली होते रहते हैं, बट बाहर लोगों को मालूम नहीं होते, जिनको मालूम हो जाते वो चल लेते हैं, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं हूँ। इंटरव्यूज़ है, प्लीज़ जाइए विदाउट कोई एप्लीकेशन, कुछ नहीं, बस सबको जाना है 12, 26, 8 इन सब हैदराबाद में इंटरव्यू है, बल्क में हायरिंग कर रहे हैं। इफ़ यू कैन ट्रैवल यू कैन ट्रैवल टू, ठीक है। लोकेशन सेम है आपका, बंजारा हिल्स वाला स्क्रीन पे जो अपीयर हो रही होंगी ना, वही लोकेशन है उनकी, ठीक है। और ग्रेजुएट हो तो ही जाइए, इतना मेहनत करिए, ग्रेजुएट नहीं हो तो प्लीज़ अवॉइड करिए, ठीक है, बिकॉज विदाउट ग्रेजुएशन अभी एयरलाइंस में हायरिंग स्टॉप ही कर दिया उन्होंने फॉर द ग्राउंड स्टाफ, ठीक है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपका इंटरव्यू हो गया है एंड यू गॉट रिजेक्टेड, सो 6 मंथ 6 बाद आप रीअप्लाई कर सकते हैं, 6 महीने तक आप इंटरव्यू नहीं दे सकते इंडिगो में, ठीक है। ये इनका रूल्स एंड रेगुलेशंस है, बिकॉज आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हो जाती है वहाँ पे, सो उस ईमेल आईडी से उस नंबर से अगर आप दोबारा इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सो आप पकड़े जाओगे मोस्टली कि अरे मैं तो तुम तो आए थे, सो यू आर नॉट एलिजिबल। सो दिमाग लगा सकते हो तो लगा लेना अगली बारी, बट 6 मंथ तक आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज इट गाइज, आई होप इट विल हेल्प यू, आई होप आपको मदद मिली हो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो गाइज। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।